नमस्कार, सजग मराठी या न्यूज चॅनल मध्ये सर आइए सर आइए, ब्रीफ करिए। अरे कुर्सी लाओ रे बाबा। सर सर फ्रॉम कांग्रेस। हेलो, हेलो, मीटिंग हैज ऑफिशियली कम नाउ। जयशंकर सिन्हा कमिंग सर, प्लीज सर, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट्स हियर व्हाट जयशंकर सिन्हा। शेयर लगा दीजिए, शेयर लगवा दीजिए, थोड़ा शेयर लगवाइए, फिर सर का उस लेवल में आएगा। माइक बहुत नीचे है। थोड़ा सेंटर में कर रहा हूं, ये तो सेंटर में हो जाएगा चेयर। लेकिन सर चेयर मंगवा, ठीक है यहाँ से बोलते हैं सर। इतने नीचे माइक का आवाज कैच नहीं करेगा, चेयर चेयर के लिए प्लीज बोल सकते हैं। हाँ दो चेयर, दो चेयर, दो चेयर नहीं बोल रही, दोनों प्लीज। एक चेयर से हो जाए, शांत हो जाए। एक और बताइए सर, आगे आ जाइए। फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, आप लोग बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, कैसे होगा यार। आप लोग बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और आपने जैसा देखा कि हम लोगों की मीटिंग लगभग 2.5 घंटे चली, राष्ट्रमंच की ये मीटिंग 2.5 घंटे चली और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या तय हुआ, इसके बारे में विस्तार से आपको हमारे दो साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, तीन साथी, मजीद साहब, घनश्याम तिवारी और पवन वर्मा, पवन, ये तीन लोग विस्तार से आपको ब्रीफ करेंगे जो 2.5 घंटे का डिस्कशन हम लोगों का हुआ उसके बारे में। और इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, सारी बात बताई जाएगी और सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल का सर, बस सर, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। नहीं, हम अभी कुछ नहीं, ठीक है तो क्या कहें? अच्छा, कौन सर, कौन सर, क्या कहें? शुरू करिए सर, सर यू कैन स्टार्ट, आगे कर लीजिए कुर्सी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया में पिछले 24 घंटों से जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या इवन प्रिंट मीडिया हो, कि ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी,
और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। दूसरी बात, ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के ज़रिए और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं, इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था। तीसरी बात, ये भी खुलासा आवश्यक है, कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया है। मैं 5 कांग्रेस के MP के नाम दे सकता हूँ जिनमें विवेक तनखा जी, मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मगर कुछ लोगों की तो जीनविन डिफ़िकल्टी उन्होंने हमसे कही कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर हमें आप अपने साथ समझिए, इस तरह के हमें मैसेजेस आए हैं। तो ये कोई कांग्रेस का बायकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए एक कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है ये पूरी तरह से गलत है। अब आज की सभा में विशेष तौर पर आज की ये एक मंच का जो आइडियोलॉजी है और मंच का जो कार्यक्रम है उसके तहत ये तय हुआ है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल वातावरण जो आज देश में बना है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राष्ट्र मंच का क्या रोल होगा, इस पर सुझाव सबको सुना गया और इसमें अच्छे अच्छे नॉन पॉलिटिकल लोग भी रहे जिनको सुना गया। जावेद साहब ने अपनी बात रखी, जावेद अख्तर साहब ने, और जस्टिस AP शाह साहब ने भी अपनी बात रखी। तो ये कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था जिसको गलत तरीके से प्रचार करना सही नहीं होगा, ना इंसाफी होगी। अब वो इस मुद्दे में किसने क्या कहा और अल्टीमेटली क्या तय हुआ, ये हमारे साथी समाजवादी पार्टी के हमारे स्पोक्स पर्सन और हमारे फाउंडर मेंबर घनश्याम जी बताएंगे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने इतने समय तक इस चर्चा का आप लोग हिस्सा रहे। हालांकि चर्चा अंदर हो रही थी लेकिन चर्चा के विषय में चर्चा पूरे देश में हो रही थी और इसमें आप सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रमंच की ये प्रथम बैठक है जिसमें सभी साथी जो आ सके, जो सदस्य पहले भी आते रहे हैं, पार्टियों के दायरे से ऊपर उठ करके राष्ट्र के मुद्दों पर अपनी सोच रखने वाले, पब्लिक लाइफ में एक ऊंची स्टैंडिंग रखने वाले, ऐसे सभी लोग राष्ट्रमंच का हिस्सा रहे हैं। तो आज जो चर्चाएं हुई, सबसे पहले मैं उसका निचोड़ बताना चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ है उसका, वो ये है कि इस देश में बेहद आवश्यक है कि एक अल्टरनेट विजन तैयार किया जाए, एक ऐसी सोच तैयार की जाए जो वाकई इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर, जिससे देश का आम नागरिक जुड़ा रहता है और जिससे वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, उन मुद्दों पर वो सोच बुलंद हो। तो उस अल्टरनेट विजन के लिए राष्ट्रमंच ने अधिकृत किया है कि यशवंत सिन्हा जी, जो कि इसके मुख्य फाउंडर हैं, कन्वीनर हैं, वो एक टीम गठित करेंगे जो हर प्रकार के मुद्दे पर एक मजबूत विजन देश को देगा। इस विजन का हिस्सा देश के नागरिक होंगे, देश की सामाजिक संस्थाएं होंगी, राजनीतिक दल इस विजन का हिस्सा बनेंगे और इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि हमारे युवा देश में विजन का अकाल हो और खासकर सिर्फ इसलिए अकाल हो जाए कि मौजूदा सरकार किसी विजन पर काम नहीं कर रही। तो एक पहला निचोड़ इसका ये है, उस विजन में तमाम चीज़ें होंगी, आप सभी लोग ग्राउंड पे कवर करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसान के मुद्दे हों, महंगाई तो, देश की लोकतंत्र की व्यवस्था की बात हो, प्रेस की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, हर तरीके का सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हो, हर तरह के मुद्दे उस विजन का हिस्सा बनेंगे। और वो विजन इंक्लूसिव विजन होगा, वो एक पॉजिटिव विजन होगा देश को आगे बढ़ाने वाला, वो एक कन्फ्रंटेशनल विजन की बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव विजन की बात है अगली पीढ़ी के लिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मजीद सर ने कहा भी कि ये अहम है कि राष्ट्रमंच एक ऐसे मंच के रूप में रहे जो सबको सम्मिलित कर सके, जिसके पास भी राष्ट्र के निर्माण की जो भी महत्वपूर्ण सोच है, चाहे वो राजनीतिक दल है या अपने तरीके से काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े हुए अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, या कॉलेजों में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं जिनके पास
अपने आने वाले भविष्य की चिंता भी है और अच्छे भारत की सोच भी है। राष्ट्रमंच उन सभी लोगों को सम्मिलित करेगा, उन लोगों को भी सम्मिलित करेगा जो देश के अंदर सोच रखते हैं, उन भारतीयों के लिए भी एक मंच प्रस्तुत करेगा जो देश के बाहर हैं लेकिन भारत के लिए एक बुलंद सोच रखते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात आज राष्ट्रमंच ने तय की। मंच की चर्चाओं में यह भी सामने आया कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की लगातार ऊंची कीमतें देश के हर नागरिक को, खासकर किसानों को और मध्यम वर्ग को लगातार प्रताड़ित कर रही हैं। तो राष्ट्रमंच उस विषय पर भी एक आम माहौल बनाएगा कि पूरा देश एकजुट होकर के सरकार से कह सके कि हम लोगों की जेब से ये पैसा लेना आप बंद कीजिए और सरकार को नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, लेकिन इस तरीके से देश के आम नागरिक को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। इस तरीके के अन्य मुद्दों पर भी राष्ट्रमंच रुख रखेगा। इसके अलावा अंततः यही कहूँगा कि राष्ट्रमंच की अगली बैठक होगी, उस अगली बैठक में आप देखेंगे कि एक बहुत विस्तृत मंच है। इस तरह की चर्चाएं कि किसी को नहीं बुलाया गया या कोई पार्टी सम्मिलित नहीं हुई, मैं चाहूँगा, हम सब चाहेंगे कि उस तरह की चर्चाएँ राष्ट्रमंच के बारे में मुख्य चर्चा ना हो, बल्कि हमेशा चर्चा इस बात पे हो कि हम और किसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो हम लगातार प्रयास करेंगे कि इस मंच में हम अन्य साथियों को सम्मिलित कर सकें। क्या ममता बनर्जी के बारे में बात हुआ कि ममता बनर्जी के नेशनल रोल के बारे में बातचीत हुई? क्या ममता बनर्जी के नेशनल रोल के बारे में बातचीत हुई? देखिए, राष्ट्रमंच में क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता रहे, सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे अर्थशास्त्री रहे, जस्टिस एपी शाह रहे, जावेद अख्तर जी रहे, इन सभी लोगों ने जो बातें रखी हैं वो विस्तृत हैं, वो किसी एक नेता पे केंद्रित नहीं है, वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, वो इस विषय पर केंद्रित हैं कि इस देश को एक अल्टरनेट विजन चाहिए और इस देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं और इतने कुशाग्र लोग हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि जो उन मुद्दों को सामने पटल पे रख सकते हैं आम नागरिक के लिए। हम ये मानते हैं कि जब देश के महत्व के मुद्दे, जो उसके मुख्य मुद्दे हैं, जो आम नागरिक के रोजमर्रा जीवन की बेहतरी से जुड़े हुए हैं, जब वो मुद्दे सामने आएंगे तो अपने आप उस तरह के सोल्यूशन उभरेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि नागरिक कौन सी मुद्दों को प्रधानता देता है और वो मुद्दे इस देश के भविष्य को निर्धारित करेंगे। सर, व्हेन इज द नेक्स्ट मीटिंग? सर, एनी प्लान फॉर द नेक्स्ट मीटिंग? एनी शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट मीटिंग? इनकी बात कर रहे हैं, ढाई घंटे तक मीटिंग चली, कोई पॉलिटिकल चर्चा? दोनों आपकी बात जो है, अगली बैठक कब होगी उसका भी दिन तय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ये प्रयास किया जाएगा कि उसमें तमाम पार्टियों के लोगों को जो एक राय रखते हैं उनको सम्मिलित किया जाए। और जो आप कह रहे हैं कि ढाई घंटे तक बैठक चली, जब इतने महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग, विभिन्न विषयों पे काम करने वाले लोग जिनकी इंडिपेंडेंट पब्लिक स्टैंडिंग है, जब वो साथ आते हैं तो ये जो भी चर्चाएं होती हैं वो देश के राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर होती हैं। तो ये जो देश के राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दे हैं वही तो राजनीति है। तो ये पॉलिटिकल इसकी पूरी इसका जवाब देता हूँ, वो जो हमारे राष्ट्रमंच की दृष्टि से ये चर्चा, ये मुद्दे ही हमारी राजनीति है। चेहरे पर बात नहीं हुई घनश्याम जी, चेहरे पर बात नहीं हुई, कौन मंच का चेहरा होगा? ममता बनर्जी होंगी, शरद पवार होंगे, यशवंत सिन्हा होंगे, कौन चेहरा होगा राष्ट्रमंच का? दोनों बातें, पहली बात कि राष्ट्रमंच ने, जैसा मैंने शुरू में कहा कि सारी जो निचोड़ था मैंने आप लोगों के सामने रखा, निचोड़ था कि देश में एक ठोस मजबूत अल्टरनेट विजन होना चाहिए और विजन के पीछे ऐसे लोग दिखने चाहिए जिन्होंने उन विषयों पर काम किया है। जहाँ तक आपने कहा राजनीतिक पार्टियों के जुड़ने का, जब से राष्ट्रमंच का गठन हुआ है तब से अपनी पार्टी की सहमति से विभिन्न पार्टी के दल राष्ट्रमंच से जुड़े रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। चेहरों पर बात हुई है ममता बनर्जी के चेहरे पर, बार बार कह रहे हैं कि आप विजन नहीं विकल्प का रास्ता तय करेंगे, क्या विकल्प क्रिएट कर रहे हैं आप? देखिए, जब इस देश में चर्चाएं इस बात पे होने लगेंगी कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, किस तरीके से आम नागरिक को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा करके प्रताड़ित नहीं किया जाएगा या किसानों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, जब चर्चाएं इन बातों पे होने लगेंगी तो अपने आप देश नए विकल्प को ढूंढेगा। धन्यवाद।